इतना बढ़िया स्कूल बनाया है, पीछे कॉरिडोर देख रहे हो, ये सरकारी स्कूल का कॉरिडोर है। सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। दिल्ली की शिक्षा मॉडल को लेकर जहां अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूरे देश में प्रचार करते हैं, दिल्ली के जिस शिक्षा मॉडल की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स तक में होने की बात कहकर राजनीति की जाती है, उसी दिल्ली में शिक्षा के मॉडल पर सवालों की सियासत की नई दस्तक आई है। ये नोटिस गौर से पढ़िए। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के इस पत्र में लिखा है कि फंड की कमी के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी से 30,000 रुपए कटौती होगी और एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर के वेतन से 50,000 रुपए कटौती की जाएगी। साथ में नीचे लिखा गया कि जब बाद में पैसा आएगा तो ये कटा हुआ वेतन प्रोफेसर पाएंगे। तो क्या दिल्ली के जिस शिक्षा मॉडल के गुण पूरे देश में गाए जाते हैं, वहाँ स्कूल दिखाकर वाहवाही लूटी जाती है और कॉलेज के प्रोफेसर को पूरी सैलरी देने का पैसा भी नहीं रहता? दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज समेत 12 कॉलेज में प्रोफेसर्स की सैलरी में कटौती का दावा है। दावा है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कॉलेजेस के 250 प्रोफेसर को पूरा वेतन फंड की कमी के चलते नहीं दिया जा रहा। दावा इस बात का भी कि जुलाई की सैलरी भी अब तक प्रोफेसर को पूरी नहीं मिल पाई है। ये नोटिस अभी एक स्मॉल बाय प्रोडक्ट है। हम लोग पिछले 3 साल से लगातार इस सैलरी इशू को झेल रहे हैं और ये प्रॉब्लम हम लोगों को खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। 3 साल से इररेगुलर सैलरीज लगातार बना हुआ है। ये अभी जो है इस जुलाई महीने का किसी तरह से लोगों का सर्टेन अमाउंट, किसी का 50,000, किसी का 30,000 काट के दिया गया है पैसा। क्या मेरी हालत है, इससे पहले भी 3 लाख रुपया मैं पीएफ निकाल चुका हूँ, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी भी इस महीने ही 5 लाख रुपये मैंने उठाए हैं। अब जब सैलरी ही नहीं मिल रही है समय पे, 2 साल 2.5 साल 3 साल 2020 के मार्च के बाद से ये हालत हो गया सर। दिल्ली सरकार के कॉलेज में ही फंड पूरा ना मिलने से शिक्षकों के उनके हक का पूरा वेतन ना मिलने के आरोप पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि कॉलेज को दिल्ली सरकार ने फंड दे दिया और खर्च का ब्यौरा मांगा जो उनकी जानकारी में नहीं दिया गया। कॉलेज के पास 30 करोड़ की FD है, कॉलेज वो रखकर टीचर्स को तनख्वाह नहीं देना चाहता। एक कॉलेज के टीचर को पैसे ना देने का मुद्दा अगर BJP का केंद्रीय एजेंडा बन रहा है तो स्पष्ट है कि वो अरविंद केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाओं को रोकना चाहती है। इसके उलट प्रोफेसर्स का आरोप है कि कॉलेज का ही बजट दिल्ली सरकार ने घटा दिया है, जिसकी वजह से ना तो कॉलेज को मेंटेन किया जा पा रहा है बल्कि वेतन के लिए ही दिल्ली के शिक्षक मोहताज कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि हम जैसे टीचर्स जो अब रिटायरमेंट के भर्ज पे हैं, 2 साल 4 साल में रिटायर होंगे, कभी कभी दिमाग में ये बात आती है कि क्या रिटायरमेंट के बाद भी यही परिस्थिति बनी रहेगी? अगर यही ऐसी ही परिस्थितियां बनी रही तो पेंशन के भी लाले पड़ जाएंगे, पेंशन भी समय पर नहीं मिलेगा। पिछले साल भी एक टीचर रिटायर हुए हैं, 2 टीचर अभी हाल में रिटायर होने वाले हैं और ये देखा जा रहा है कि उनका रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल पाएगा समय पे। शिक्षकों का दावा है कि वो वेतन समय से न मिलने के कारण कई बार PF से पैसा निकाल कर अपने बच्चों की फीस भर रहे हैं, किसी तरह घर चला रहे हैं। शिक्षा के मॉडल को आगे रखकर अगर अपना राजनीतिक भविष्य देखा जा सकता है तो फिर दिल्ली के कॉलेज को लेकर ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जहां शिक्षक अपने वेतन के लिए भिक्षक बनाकर छोड़ दिए जाएं। ओम प्रताप शुक्ला के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।